press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Assalamualaikum, welcome to my channel Technical Lab. मैं चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसा एप्लीकेशन दिखाने वाला हूं जिसके अंदर आपको सारी कुरान मिल जाएगी, जिसको आप पारे या फिर सूरे के हिसाब से इजीली रीड कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और आपको प्ले स्टोर के अंदर होली कुरान के नेम से एक एप्लीकेशन मिल जाएगी और इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसको ईजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। कुरान को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप सेकेंड नंबर पर जूस इंडेक्स वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको पारा नंबर 1 से लेकर पारा नंबर 30 का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहां पर पारे के हिसाब से इसको ओपन करके रीड कर सकते हैं। अगर आप साइड में स्वाइप करेंगे तो यहां पर पेज चेंज हो जाएगा और आपको नीचे की तरफ सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको कस्टम ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप ब्राइटनेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और आपको यहाँ पर नाइट मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है और आपको नीचे की तरफ और भी सेटिंग्स मिल जाएंगे जिनको आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। और यहाँ से बैक लेने के बाद आपको थर्ड नंबर पे सूरह इंडेक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सूरह नंबर 1 से लेकर सूरह नंबर 114 तक की सारी सूरतें आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ पर अपने हिसाब से किसी भी सूरह को ओपन करके उसको रीड कर सकते हैं। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं लास्ट वाले सूरह को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसी तरह यहाँ पर आप किसी भी सूरह को ओपन कर सकते हैं और बैक लेने के बाद आपको नीचे की तरफ गो टू पेज का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर किसी भी पेज को टाइप करके उस पेज को डायरेक्टली ओपन करके भी रीड कर सकते हैं। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं 786 पेज को ओपन करके दिखा देता हूँ और यहाँ से बैक लेने के बाद आपको फर्स्ट में रिज्यूम का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप कभी एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं तो जहाँ पर भी आपने एप्लीकेशन को क्लोज किया था वहाँ से वो पेज ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह आप इस एप्लीकेशन को ईजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुरान को रीड करने के दो अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहां पर सूरे के हिसाब से और पारे के हिसाब से रीड कर सकते हैं और आपको रिज्यूम का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वह लाइक करो। इस वीडियो के बारे में कुछ भी सवाल या परेशानी के लिए मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे आने वाली वीडियो अब तक पहुँचती रहे। तो भी चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।